आज करेंगे रिपेयर ऑटोकट मोटर का। तो कैसे करते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूं पूरा डिटेल में। तो कैमरा पास ले आइए। ये ऑटोमेटिक ऑटोकट है। ये क्या काम करता है कि जब आपके घरों में आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा कि आपके घरों के नल जो हैं उसमें पानी कम आ रहा है, प्रेशर से नहीं आ रहा है, जो सेंट्री का पाइप है वो पुराना हो चुका है, या लोहे की जो पहले आपके फिटिंग की हुई थी, तो ये क्या काम करेगा, ये प्रेशर के साथ पानी नीचे फेंकता है। तो जब आप घर की किसी भी टूटी को टैब को ऑन करेंगे तब पानी प्रेशर के साथ नीचे आएगा, जो मोटर है हमारा ऑन हो जाएगा तभी, ठीक है। और जो ऊपर इसके जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का टैंक लगा हुआ है छोटा सा, वो क्या काम करता है, उसमें प्रेशर हमारा सेव रहता है ऑटोकट को, और जिससे हमारा ऑटोकट काम करता है, कट होता है, ठीक है। तो इसके सिंपल कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। पहले तो ये टफन टेप की सहायता से वहाँ मोटर के साथ अटैच हो जाएगा। फिर आप पास में आइए तो इसके यहाँ रिले लगी हुई है जो इसको ऑन एंड ऑफ करती है। तो इसको एक और दो नंबर पर हम जो पॉइंट देंगे, एक और दो नंबर पर मोटर से दो वायर निकल रही हैं जो सीरीज़ में हैं, जो हम जो इसे जोड़ देंगे तो मोटर हमारा ऑन होता है अगर दोनों वायरों को, तो वो दोनों वायर हम इसमें लगा देंगे। तो वो कैसे लगा रहे हैं आप देखिए अच्छे से। तो इसके एक और दो पिन पर हम इसको खोल लेते हैं और इसमें वायर लगा देंगे, ठीक है। तो एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एसी का, जो मैं आपको मेरे चैनल पर सिखाता हूं, तो सबसे पहले सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पावर है उसको आपने ऑफ़ कर लेना है। तो इस पर हमने टफन टेप लगा दिया है और इसको वहाँ पर हम टाइट कर देंगे। अच्छे से इसको टाइट कर देना है, नहीं तो यहाँ से हमारी जो लीकेज है लीकेज होगी। तो ये अच्छे से टाइट नहीं हो रहा था, इसका कारण केस पर हमने टफन टेप ज़्यादा लगा दिया था। तो थोड़ा हम कम टफन टेप लगाकर इसको दोबारा से हम टाइट करेंगे। तो हमने इसको टाइट कर दिया है। अब हम इसका गेट वाल जो खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गेट वाल खुलने के बाद हम इसका वायर पहले हम आपस में अटैच करके देखेंगे कि हमारा मोटर जो है वो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो हमारा ऑटो कट है वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों देखिए कि ये ऑटो कट हो चुका है हमारा। तो हमारा जो ऑटो कट है वो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो सिंपली इसका सिर्फ इतना काम है कि जितना हम प्रेशर इसके ऊपर सेट करते हैं, कि हमने मान लीजिए इस पर 40 PS का प्रेशर जो है हमने सेट कर दिया है, जब हमारा मोटर चलेगा और इसमें प्रेशर बनेगा, क्योंकि हमारी टूटी टैब्स तो बंद हैं नीचे, जब इसमें प्रेशर बन जाएगा 40 का या जितना हमने सेट किया है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, मोटर को ऑटो कट कर देगा। तो तब मोटर चलेगा कब, जब हमारा प्रेशर जो है हम इस पर सेटिंग हो जाता है कि कितने PS तक हम इसका जो प्रेशर है कम जाएगा, तब मोटर जो है हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल वीडियो है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम था, ये ऑटो कट किस काम में आता है। तो हमने गेट वाल को ऑन कर दिया है, हमारा मैकेनिक गेट वाल को ऑन कर रहा है। तो जैसे ही हमने गेट वाल को ऑन किया तो मोटर हमारा ऑन हो गया है।
और हमारा मोटर चालू हो गया। इसमें आपको मोटर का आवाज़ इसलिए नज़र नहीं सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि पास में हम रोड साइड ये काम कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, बसेस का, ट्रक का, कारों का, तो इसलिए हमने वो वॉइस जो है हमने म्यूट कर दिया था। तो अभी आपको सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि आपने इसमें कनेक्शन कर देने हैं और इसको लगा देना है। एक और दो नंबर पर इसके कनेक्शन होते हैं, जो चार नंबर है वो आपने खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको तीन पिन देख रहे हैं, नट स्क्रू दिख रहे हैं जहाँ पर कनेक्शन करना है, लेकिन आपने एक और दो पर ही करना है कनेक्शन। तो अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है इसको, कि आपने आपने रखना है कि ये इतनी ज़्यादा प्रेशर से पानी ना आए इसमें, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब 20 प्रेशर हो इसमें तो मोटर ऑटो कट हो जाए, तो आप सिंपली इसके राइट तरफ इसके एक स्क्रू लगा है, उसको आप अगर पेचकस की स्क्रू ड्राइवर की सहायता से घुमाते हैं तो वो जो ऊपर नीचे इसका जो लेवल है, एक आपको सुई दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे जो सुई होता है जहाँ जहाँ पर आपको सेट करना है, 40 पर, 20 पर, 50 पर, 60 पर, आप सेट कर सकते हैं उसे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें पता है कि मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, RO, AC, डी फ्रिज, फ्रिज और बहुत सारी और भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मशीनरीज पर और फिटिंग पर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको इसी इलेक्ट्रिकल जहाँ काम सीखना है, इसके रिलेटेड जो मैं काम सिखाता हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाता हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल भी काम सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी काम सीख सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में आपकी इच्छा है आप कैसे काम सीखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।